उत्तर भारत एक बार फिर सुबह के वक्त कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी में काफी कमी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। यहां वायु गुणवत्ता 300 के पार दर्ज की गई है। यहां के कुछ प्रमुख जगहों का AQI कुछ इस प्रकार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड के कई इलाकों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम केंद्र रांची ने 19 फरवरी तक झारखंड में कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम केंद्र ने ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 20 फरवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को अचानक से बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ों की रानी शिमला समेत कुफरी इलाके में मंगलवार अचानक बर्फबारी हुई। पिछले कई दिनों से यहां मौसम साफ चल रहा था। मंगलवार सुबह से ही चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम के अचानक बदले मिजाज से सैलानियों में खुशी की लहर है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।